आदिवासी बहुल डूंगरपुर में किसान मौसम के आधारित फसलों की खेती करते हैं। हालांकि जब से बड़ी संख्या में युवाओं ने खेती किसानों में दिलचस्पी दिखाई है, तब से क्षेत्र में कुछ आमूल बदलाव आए हैं। बड़ी संख्या में किसान ने कम लागत में बढ़िया मुनाफा पहुंचाने वाले फसलों की खेती की तरफ रुख किया है। डूंगरपुर जिले के सुरपुर गांव के धुआड़िया के रहने वाले कुदन पटेल परंपरागत अनाज व सब्जियों की खेती से हटकर फूलों की खेती से बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। कोदर पटेल ने पहली बार व्यावसायिक दृष्टिकोण से फूलों की खेती प्रारंभ किया था। तब 5 बीघा जमीन पर गेंदे का फूल और पुष्पा नारंगी व 1000 वैरायटी लगाई थी। कोदर फलों की खेती कर फूलों और फूलों से माला बनाने वाले व्यापारी को बेचना शुरू किया। इससे उन्हें 45,000 रुपये की आमदनी हुई। कोदर बताते हैं कि 2 दिन में उनके खेतों से 100 किलो के आसपास फूल निकलते हैं, जो कि बाजार में 20 से 30 रुपये तक बिकते हैं। अगर बात करें किसान कोदर पटेल के फूलों से आमदनी की, तो सालाना 6 लाख रुपये के आसपास वो कमा लेते हैं। कोदर पटेल बताते हैं कि जब वे पारंपरिक खेती करते थे, तब उन्हें मेहनत के साथ लागत भी ज़्यादा लगानी पड़ती थी और उसके बदले मुनाफा भी कम होता था। वह फूलों की खेती में सिर्फ एक बार लगाने में मेहनत है, इसके खरीदार घर तक आते हैं और माला लेकर चले जाते हैं। आगे कोदर पटेल बताते हैं कि हमने पाया कि फूलों की खेती से कम लागत में कई गुना ज़्यादा मुनाफा है। एक समय में जब कोदर ने फूलों की खेती शुरू की, तो दूसरे किसानों ने उनका मजाक बनाया। आज वही किसान उनकी राह पर चल रहे हैं। हमारे बाप दादा तो गौ नहीं खेती करता था, मकाई नहीं गौ नहीं। अबे हमें हूँ एक बार ने गुम्मा जाता था, फूलों ने खेती दिखी अभी तो फूलों ने यहाँ खेती मतलब 3 चमासा में हियाड़ा में उनाड़ा में 3 अलग अलग वेरायटी ने फूलों ने खेती करा तो गौ करते थोड़े ठीक रहे। ये हमारे डूंगरपुर बंदी है तो बंदी में तूड़ी नाल दंगा थे फिक्स कर लू दाड़े कड़क फूल निकली जाता है 30-50 किलो फूल आला।